अल्लाम नाजीन एंड वेलकम टू द शो है कुछ जवाब मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा नाजीन आज कल हर तरह बात हो रही है एनर्जी क्राइसिस की लोड शेडिंग की चाहे वो बिजली की हो चाहे वो गैस की हो और उसको मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से सियासी हथकंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है आज की जो वज़र अजम है उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह से लिया है कि मुल्क में जारी लोड शेडिंग है उसका फौरी तौर पर खात्मा किया जाएगा प्रायोरिटी लिस्ट में उसको शामिल किया है लेकिन क्या ही बेहतर होता कि अगर ये जिस वक्त ख़ुद मिनिस्टर थे पानी और बिजली के उस सौ बीस को प्रायरिटी लेते और उस सौ बीस सक... को चैलेंज जैसे समझ के कबूल करते हैं तो शायद हालात कुछ मुख्तलिफ होते यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती क्योंकि जब आज हम ये बहस करते हैं जब हम सियासी जमातों को रोड पर एहत करते हुए देखते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हुए देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुल्क में लोड शेडिंग का की सूरत हाल को इंतहाई ख़राब कर दिया है या इतहाई बुरे हालात तक पहुँचा दिया है फिर जब पीपल्स पार्टी से मालूम किया जाता है तो वो अक्सर ये भी सवाल सामने आती है कि जी ये पिछले दौर में क्योंकि कोई प्लांट्स नहीं लगे कोई प्रोडक्शन की प्लानिंग नहीं हुई इस वजह से हम ये चीज़ों को फेस कर रहे हैं मेरा मकसद आज के प्रोग्राम था जो अभी हालिया एनर्जी क्राइसिस है उस पर तो हम यकीन बात करेंगे लेकिन हम उससे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे बल्कि थोड़ा सा नहीं काफ़ी पीछे जाएंगे क्योंकि अभी रिसेंट हमने बी बी भी एक रिपोर्ट देखी और ये बात अक्सर पीपल्स पार्टी के लोग कहते हुए भी पाए जाते हैं इसकी हकीकत भी जानेंगे आज के जो हालात हैं उस पर भी बात करेंगे 1994 में जब बेनज़ी भुटो साहबा का दौर था उस वक्त उन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी के साथ मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किया जिसमें यह कहा गया कि पाँच हज़ार मेगावाट बिजली की प्रोडक्शन होगी और वो बल्कि इस बात पे परेशान थे कि जब 2000 में उस दो हज़ार का शॉर्टफॉल था कि जब साल 2000 में और 2001 में जब ये इतनी ज़्यादा तीन हज़ार इजाफ़ी प्रोडक्शन होगी तो फिर उसको क्या करें फिर ये प्लानिंग बनी और ये प्लान किया गया कि जी हम इसको भारत के हाथों बेच देंगे और अब सूरत हाल ये है कि अब प्लानिंग्स ये हो रही हैं पानी और बिजली के वजीर कि हम भारत से बिजली ख़रीदेंगे कहा यह कि जो 1994 के जो प्लान्स थे जो बेनसी भुटो के जो माहे थे उनको जब मियाँ साहब की हुकूमत आई नाइनटीन में तो उन्होंने अपने इंट्रस्ट के लिए और बहुत दीगर इंट्रस्ट जो उनके थे जो कि हमारे यहाँ सियासी बहुत सारे मफात हासिल किए जाते हैं उसकी रोशनी में उन तमाम माहदों को उन्होंने ख़त्म कर दिया मुस्तरद कर दिया बहरहाल इस पर हम मज़ीदी बात करेंगे क्या हकीक़त है वो भी जानेंगे अब क्या हो सकता है वो भी जानेंगे अब तक क्यों नहीं हुआ था चार साढ़े चार सालों में उस पर भी बात करेंगे जो पैनल पे गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ जनाब शुरजी इनाम मेमन साहब मौजूद है प्रेजिडेंट है प्रेसिडेंट है आई पंजाब के एहसन रशीद साहब वो भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है उनको भी मैं जीकुम एहसिन साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का आ, इसी के साथ इसी के साथ नून लीग से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं बलोचिस्तान के एम एन ए हैं कुछ ही देर में वह हमें ज्वाइन करेंगे और उसके साथ हम मुख्त लोगों से बात भी करेंगे फॉर्मर डी जी पैपको से भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ समर मुबारक रन साहब से भी बात करेंगे कि उनका कहना क्या है वो बेचारे ये कहते रहे कि जी हम बिजली बना सकते हैं थर जो पावर हमारा प्रोजेक्ट है लेकिन ये हुकूमत उनको पैसे नहीं दे रही इससे काबिल कि मैं इस पर समर मुबारक रन साहब को लूँ पहले मैं जाके ज़रा शर्जील मेमन से पूछ लेती हूँ कि जो वॉर फटिंग पर जो अब इकदाम का सोचा जा रहा है क्या वजह थी कि साढ़े चार सालों में नहीं उसको सोचा गया या उतना सीरियसली चैलेंज के तौर पर उसको नहीं लिया गया जी शर्जील साहब शुक्रिया नादिया साहबा ये बात गलत है कि हुकूमत ने सोचा नहीं कि एनर्जी क्राइसिस को हुकूमत जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जब भी आई है उन्होंने हमेशा एनर्जी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा है जिस तरह आपने खुद मिसाल दिया नाइन्टी फोर की आपने जिक्र किया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने एक थ्रफ कोल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एक उन्होंने के टी बंदर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे ही बेनजीर साहबा की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया तब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आए तो वो मुल्क के फ्यूचर के लिए और मुल्क के मुफाद के लिए अगर वो चाहते तो उन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर सकते थे लेकिन उन्होंने ना ही सिर्फ़ उन प्रोजेक्ट्स को बंद किया लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो इन्वेस्टर्स आए थे बाहर से <coughs> सॉरी उन इन्वेस्टर के साथ भी उन्होंने वो अशर किया इन्वेस्टर के ऊपर इंक्वायरीज़ शुरू कर दी सब चीज़ें शुरू कर दी और अल्टीमेटली उन इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ भागना पड़ा लेकिन उसके बाद कोई और मज़ीद जो है वो इन्वेस्टर नहीं आया मैं आपको एक और बात भी ये कहूँगा जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो पहले तो हमने जो इसमें जो इशूज़ थे इस थरकोल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो रुकावटें थी उनको एक मरतबा फिर हमने उनको रिजॉल्व किया पहली बात ये थी कि थर्कोल क्योंकि एक सिंध की मिल्कियत थी तो हमने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को कि आप हमें सोल राइट्स दे दें सिंध को कि सिंध जो है वो एक तो प्रोवेंशल सब्जेक्ट है और सिंध जो है इसको खुद ही रिजॉल्व करे और उसमें उस वक्त राजा पाल साहब थे बिजली के वजीर तो उन्होंने जो है ये काम अच्छी तरीके से कर दिया कि भाई सिंध जाने और सिंध जो आप अपनी प्रोडक्शन इसकी थर्ड कोल के लिए अपना काम खुद करें तो उसमें सिंध गवर्नमेंट को एक तो ये अच्छा हो गया कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो गया उसमें फिर सिंध सिंध गवर्नमेंट ने जो है एक सिंध कोल एनर्जी बोर्ड बनाया और वो सिंध कोल एनर्जी बोर्ड जो है उसमें जो भी रिलेवेंट मिनिस्टर्स थे जिसमें रेवेन्यू मिनिस्टर है जिसमें वाटर मिनिस्टर फॉर इरिगेशन थे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू तो मतलब तीन चार मिनिस्टर्स पे मुश्तम एक कमेटी बनाई गई सिंध कोल एनर्जी बोर्ड में जिसको कायमल शाह साहब कर रहे थे और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम थर कोल के प्रोजेक्ट को जल्दी स्टार्ट कर लें अच्छा अब इशू क्या था थर कोल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में तो हम उसी दिन पहले दिन कर लेते ये नहीं था वहां पे एक तो हमें बड़े रोड्स चाहिए थे तो उसके लिए 245 किलोमीटर का ड्यूल कैरेज वे उसका काम स्टार्ट कर दिया जो कि मीरपुर खास तक कंप्लीट हो चुका है अब इसको आगे थरपारकर तक जाना है उसके बाद हमारा दूसरे लिए हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि वहाँ पे पानी कैसे पहुँचे क्योंकि क्योंकि कोल के माइनिंग के लिए वहाँ पर पानी की ज़रूरत है और थरपाकर आप पता है कि एक डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर पानी का कोई रिसोर्स नहीं है सिर्फ रेन वाटर पर जो है वो सर्वाइव करता है तो उसके लिए नहरी पानी को पहुंचाने के लिए वो पैसे भी रखे गए इस सिर्फ सिंध बजट में बता रहा हूँ इस साल का उसमें पच्चीस अरब रुपए रखे गए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। के लिए उसके अलावा जो इस सुन इस... तो मैं आपको पूरी कंप्लीट ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पहले आपको टीवी पे किसी ने बताई नहीं है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं दूसरी बात यह कि उसके बाद फिर हमने इस्लाम कोर्ट में एक एयरपोर्ट जो है थरपारकर का एक करीबी जगह इस्लाम कोर्ट जहां से ये माइनिंग का रिजर्व हैं तो वहाँ पे एक एयरपोर्ट की तकमील जो है उसका काम भी शुरू हो चुका है और इन वो भी बहुत जल्द वो भी कम्प्लीट हो जाएगा ताकि अगर जा फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं या हमारे फॉरेनर्स आते हैं तो वो लोग डायरेक्ट उनका एक्सेस जो है वहाँ तक हो अब क्योंकि हैवी मशीनरी लाने के लिए मैंने आपको जिस तरह अर्ज़ किया कि ड्यूल तरजे की जरूरत भी थी इसके अलावा ये तो मैंने आपको एक चैप्टर पता इसके अलावा इसी गवर्नमेंट ने जो है वो भाषा डैम का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया अफसोस के साथ ये कि माजी के 10-11 सालों में एक मेगावाट बिजली ना पैदा की गई सिर्फ एक प्रोजेक्ट का जो है वो वो जिक्र किया गया वो था कालाबाग डैम जिसमें तीन अच्छा, को जो है कालाबाग कालाबाग डैम डैम शर्जी साहब हम उस उसपे बाद में बात करेंगे लेकिन मैं आपसे ये भी साथ में पूछूंगी कि थरकोर बोर्ड जिसकी आप जिक्र भी कर रहे हैं थरको प्रोजेक्ट की आप जिक्र कर रहे हैं समर मुबारक रन साहब जो कि एक साइंटिस्ट हैं और वो कब से इस बात को रो रहे हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट ने जो है समर मुबारक मनसा वो कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट ने हमें फंड्स नहीं दिए हमने इतने दिन तक वो जो फ्लेम था उसको जलाए रखा किसी ने आके यहाँ पे विजिट नहीं किया वो इस बात का भी दावा करते हैं अभी कुछ ही देर में हम उनसे बात भी करेंगे आप भी सुनिएगा कि जी अगर ये हो जाता तो हम इतनी इजाफी बिजली करते हैं कि हम बजाय इसके कि ईरान से ताजिकिस्तान से या भारत से बिजली खरीदें हम उनको बेचने वाली पोजिशन पर आ जाते ये इसको भी थोड़ा सा रोशनी डालें फिर ये क्यों कह पाया देखें ये गैप कतन नहीं है मेरे ख्याल से कि शायद आपने सबर मुबार साहब अगर मेरे सामने बात करें तो मैं मैंने तफसी बता सकता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने उनको पैसे भी दिए और सिंध गवर्नमेंट ने उनको इजाजत भी दी वहाँ माइनिंग करने की बात ही मैंने आपको बताया कि ये कोई छोटी रकम नहीं है कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ सिंध गवर्नमेंट ने पच्चीस अरब रुपये सिर्फ इस साल रखे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए असल में इशू क्या है कि पहले हम लोग डिपेंड कर रहे थे फ़ॉरन इन्वेस्टर्स पे अनफॉर्चुनेटली फ़ॉन इन्वेस्टर्स नहीं आए और नहीं क्यों नहीं आए क्योंकि उन्होंने जब माजी में जो एक्सपीरियंस देखा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन इन्वेस्टर के साथ किया था और उसके बाद वो इन्वेस्टर्स जो है एंग्रो के साथ एंग्रो के साथ सिंध गवर्नमेंट जो है वो वो काम कर रही है उसके अलावा अच्छा, रखा था सिंध पच्चीस अरब रुपए रखे है पूछ रही हूँ दो हजार दस दो हजार ग्यारह दो हजार ग्यारह दो हजार बारह मैं आपको बता रहा हूँ देखिए बात सुन हमें पहले वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना था उसके लिए लास्ट ईयर जो तो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था ड्यूल कैरेज वे का वो लास्ट ईयर के बजट में था वो जो और एयरपोर्ट भी लास्ट ईयर के बजट में था तो ये दोनों कामों पे इन दोनों चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका है ड्यूल कैरेज वे बन रहा है क्योंकि जब आपकी हैवी मशीनरी आती है तो सिंगल लोडीन अच्छा, अब, अब, अब ला की ला अब हमें जो बात करनी है, साथ से भी करनी है। लेकिन उसके साथ पीटीआई के, पी के पंजाब पूरे पंजाब के सदर है उनसे एक्सप्लेनेशन दी है और जितनी इन्फॉर्मेशन शर्जी लिना एहमन साहब ने दी है आप उससे अग्री करते हैं या आपकी जो अपनी स्टडी है आपकी अपनी रिसर्च है वो इससे कुछ मुख्तलि आपको दिखाई देती है अच्छा देखिए ऐसे है ये अब इकदाम कर रहे हैं जब सर से पानी गुजर गया है अब मीषत आपकी तबाह हो गई है सन्नतें बंद हो गई हैं आपका किसान परेशान है बिजली नहीं मिल रही आपकी जो जरूरी पैदावार लेकिन है आप वो भी ना कि रही दे रहा है दुरुस्त आय कर तो रहे देखिए क्या सारी जिंदगी चाहिए इनको साढ़े चार साल बोते हैं करने वाले दो साल में ये सारे काम हो सकते थे एक किलो थर से कोला नहीं निकला मसला है कि इतनी नाहेल और इतनी करप्ट करप्टकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई मसला करप्शन हाँ। का है आपके पास आज भी देखिए मेरी बात सुन आप भी आप आज भी आपके पास इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है छः आई पी पी बंद पड़े हैं अगर पैसे गवर्नमेंट के पास हो तो वो चल सकते हैं बिजली पूरी हो सकती है हर चले बाद में गोला निकल आएगा आपकी आधी बिजली आज चोरी हो रही है उस तरफ कोई नहीं जाता ना चोरी रोक रहे हैं ना कोला निकला है आपके नए अज़ा... गैस के रिजर्व निकल आए हैं नहीं तो, बा... तो ये बात कर रहे हैं ना नहीं कि ये तो अभी 25 अरब अगर इन्होंने बजट अच्छा एक सेकंड रुकिएगा कादिर बलोच साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है कादिर बलोच साहब सलाम अलैकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हमने वालेकुम हम अभी वाले तो, तो ये बात हम अभी तो ये बात कर रहे हैं कि अभी जो इकदाम लिए जा रहे हैं वॉरफोटिंग पे जो बातें हो रही हैं जो अब जो वजी अजम है राजा परवेज अशरफ गो के उनको जिम्मेदार भी ठहराया जाता है लेकिन बहरल अब उसको चैलेंज के तौर पर ले कुछ कर रहे हैं ताकि अगले साल बहरा इलेक्शन ये रहें वोट्स लेने लेकिन मुझे इसके साथ ये भी आपसे जानना है कि क्या वाकई इस बात में कितनी हकीकत है कि जब हम मुशरफ दौर को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और उसके बाद नाइनटीन नाइनटी फोर की मुझे वो बात सिर्फ अपने जो व्यूअर्स हैं जो हमारी आवाम है उसको रोशनास कराने के लिए 1994 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक आज दो दिन कबल बल्कि और हमारी जो भी अपनी रिसर्च थी उसमें ये बताया गया कि 1994 में आ, बीबी बी साहबा ने जो एक प्रोजेक्ट लगाया और जो उन्होंने एक दौर का एक कैम्पेन का आगाज़ किया कि मेरे गाँव में बिजली आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में कोयले से बिजली बनाने के लिए सिंगापुर के कारोबारी एक शख्सियत से एक माहा हुआ जिसमें कहा गया कि पाँच मेगावाट का बिजली घर लगाया जाएगा उस वक्त हुकूमत यह भी परेशान थी कि जी अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतनी बिजली होगी तो तीन हज़ार मेगावॉट फालतू होगी ऐसे में भारत को दो हज़ार मेगावॉट बिजली बेचने के लिए यादाश्त नामे पर दस्तखत किए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये है कि लेकिन पांच नवंबर सर उन्नीस सौ छियानवे को बेनजी की हुकूमत बरतरफ हुई तो उन्नीस सौ सत्तानवे में मुस्लिम लीग नून दो तिहाई अक्सरियत से हुकूमत में आई और उन्होंने कई निजी बिजली घरों से मुआदे मनसूख किए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कमीशन की खातिर उनसे महंगे मुआदे बिजली ख़रीदने की बात की थी और उसके साथ साथ अदालत से रुजू किया मियाँ शाह वो जो सिंगापुर की पार्टी थी और मियाँ साहब की हुकूमत ने आउट ऑफ कोर्ट डील की दो करोड़ के करीब उन्हें जुर्माना अदा करके भगा दिया जिसकी वजह से हम आज ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं बीबी मैं इस बारे में दो चार बातें और कहना चाहूँगा इसमें कोई शक नहीं है कि बीबी ने अच्छा काम किया था उस वक्त जितनी भी आई आई पी को उन्होंने लाया और बिजली की प्रोडक्शन उस वक्त उन्होंने बहुत बढ़ा दी लेकिन उस वक़्त भी इस कारोबार में ट्रांसपेरेंसी नहीं था जिस तरह इस वक्त शोर मचा है पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये जो आ, रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स की तरह उस वक़्त भी उस वक़्त के मीडिया ने उस वक़्त इंप्रेशन ये था कि ट्रांसपेरेंसी आई पी पीज में जिसको लाया गया था मियाँ साहब ने कैंसिल नहीं किए किसी को भगाया नहीं लेकिन अगर ईमानदारी <coughs> के एलिमेंट को लाया जाना मकसूद था और कोई करप्शन थी उसके बारे में अगर कोई इंक्वायरी किया जाना मकसूद था तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने कोई ऐसी गलत काम नहीं की थी पहली बात दूसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नाइनटीन नाइनटी नाइन में जिस वक़्त ये टेकओवर हुआ उस वक़्त हमारे पास चार हज़ार मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा थी जिसके बारे में मैं उस वक़्त जो कुछ भी था फौज में मेरी एक पोजीशन थी और मैं इंफॉर्मेशन तक मेरी एक्सेस थी और उस वक़्त ये सोचा जा रहा था बल्कि ये बात की जा रही थी कि इंडिया को हम चार हज़ार मेगावाट एक्सपोर्ट भी बिजली कर सकते हैं यानी हमारी ज़रूरतों से उस वक़्त इतना ज़्यादा था तो ये कह देना कि मियाँ साहब ने उस वक्त रुकावट डाला ठीक है मियाँ साहब ने रुकावट डाल दिया उस वक्त चले हम फर्ज कर लेते हैं कि उन्होंने गलत काम किया नाइनटी नाइन से लेकर टू थाउजेंड एंड एट तक मियाँ साहब तो नहीं थे टू थाउजेंड एंड एट से लेकर टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व तक मियाँ साहब तो नहीं रहे 1999 और 2012 तो हम कसूर नहीं, बात मकसूद की नहीं है नाजिब अलू साहब ये बात नहीं है कि उनके खाते में डाल रहे हैं बात यहाँ पर ये है कि जब हम माजी की बातें करते हैं जितने भी सियासतदान पोलिटिशियन जो भी जिम्मेदार यहाँ पर आते हैं जब उनसे बात करते तो वो खुद माजी की बात करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होतेजाज होते कि किया हुआ है और खुद निकले हुए बजाते खुद शहबाज शरीफ साहब कैंप लगाकर बैठे हुए हैं और अब तो ये भी एक थ्यूरी सामने आई है और ये देखा जा रहा है ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब से वजी आजम जो सबक वजीरम थे यूसुफ रजा गिलानी वो से नादिया नादिया आप नादिया आप जैसे नादिया नादिया आप जैसे एंकर से ये कमेंट्स जो ना मुनासिब आपको नहीं लगता हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने या शहबाज शरीफ ने लोगों को एहतिया मुझे मेहरबानी करके मेरी बात मुकम्मल कर दे नादिया मुझे अगर फर्ज करेगा आप तो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं जो सिंध में लोग निकल रहे हैं उनको किसने निकाला है ठीक है मैं मैं से सब ब्रेक, लूं। लूं। ब्रेक मैं से तो मुझे 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 से से मैं ब्रेक में पूछ लूंगी शर्जील नाम मेमन साहब से भी ये बात बखूबी वो जानते होंगे क्योंकि जब ये बात पंजाब के वाले से करते हैं तो सिंध के तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उनसे जानेंगे कि सिंध में लोगों को इसने निकाला लेकिन जो एक आम ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जब से यूसुफ रजा गिलानी गए जो पुरतशद एहतजाज हो रहा था वो वापस ख़त्म हो चुका है लोग घरों को वापस चले गए इसी के साथ जब हमने पंजाब का विजिट किया था सीएम पंजाब से हमने बात भी की थी ब्रेक से वापस आएंगे उनके तहफ़ात भी आप तक पहुंचाएंगे और जवाब लेंगे शर्जी नाम मेमन साहब से और मजीद गुफ्तु को जारी रखेंगे मुख्तर सा ब्रेक वापस आते हैं वेलकम बैक टू द शो और ब्रेक पे जाने से कबल जब हम बात कर रहे थे शर्जील साहब से तो उनका जो हमने थर्कुल प्रोजेक्ट के बारे से बात की समरमंद मुबारक साहब जो कि साइंटिस्ट हैं और उनका ये प्रोजेक्ट था उनको क्या शिक्वी शिकायतें थी शर्जील साहब का कहना यह था कि अगर उनसे बात करें तो फिर मैं उनको ये बात बताऊँ या उनकी बातों का जवाब दूँ इस साथ हमारे सा, पे साथ टेलीफोन लाइन पर समरमंद मुबारक साहब मौजूद हैं है समरमंद मुबारक साहब वाल मबाइस साहब मुझे फरमाएगा के कुछ पिछले दिनों गिले शिकवे बड़े सामने आए एनर्जी क्राइसिस को जिस तरह से हमारी कौम फेस कर रही है उसमें आ, अब यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की नाहली हुकूमत की नॉन सीरियसनेस थी अगर इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी के हवाले से क्या कहना है प्लस आपको क्या यह शिकायतें थी कि हुकूमत ने उस पर फंडिंग नहीं किया उसको सीरियस नहीं लिया फ्लेम के बारे में भी कहा गया कि जी वो तो चार घंटे भी नहीं चला आपने कहा कि बहुत अरसे तक आप लोगों ने उसको जलाए रखा देखें जब तक तो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे ना हमने अठतीस तो तो गैस वेल्व बनाए हैं तो किसी को कोई हमारे से गिला शिकवा नहीं था जब हमारा प्रोजेक्ट कामयाबी से चल पड़ा और गैस निकलनी शुरू हो गई तो प्रेस में भी हमारे खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई और लोगों ने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया जो चार घंटे चल के बंद हो गया है प्लानिंग कमीशन का ये प्रोजेक्ट है प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर है इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग जो पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जाकर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन करते हैं वो भी आए थे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर एग्जैक्टली exactly उन दिनों में वहाँ पे मौजूद थे जब ये स्टेटमेंट आई थी की चार घंटे चल के बंद हो गया अच्छा वो वहाँ पे रात को भी रहे दो दिन रहे उनके साथ बड़े स्पेशलिस्ट की टीम थी छह लोगों की टीम थी हुँ? और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के लोगों को भी वो साथ लेकर आए और उन्होंने जाकर फिर प्लानिंग कमीशन में रिपोर्ट सबमिट की कि प्रोजेक्ट बहुत कामयाबी से चला है गैस बनी है ये बहुत फीजिबल प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट को चाहिए इसको पूरा सौ मेगा की फंडिंग दे तो ये तो होगी एक ऑफिशियल वर्षन इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के ऊपर कैपेसिटी 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 कितनी कितनी थी थी तो समर साहब उसकी तो वक्त नहीं है प्रोडक्शन तो तो जी हमें 100 मेगावाट के लिए कहा गया था कि बिजली बनानी है और ये जो आप, आपके आजकल वजीर आजम हैं इन्हीं ने जब वापदा के मिनिस्टर थे तो हमें हर बोर्ड की मीटिंग में कहा था कि आप ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएं और हम अप्रूव करते हैं और आप ये काम कीजिएगा हमने तो प्रोजेक्ट बनाया था सिर्फ गैस गैस दिखाने के लिए कि हम बना सकते हैं या नहीं वो तो हमने काम कर लिया का इसकी होगी तो हम बिजली बना देंगे अभी तक तो नहीं हुआ कुछ भी ठीक है और ये फ्लेम इनको कहा कि चार ये तो हम गैस बना रहे जनवरी से आप तो छह महीने हो चले हैं तकरीबन जी साहब जवाब देंगे बिल्कुल जी पता होगा कि हुकूमत ने इनके साथ और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई आसान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आपको इतना बड़ा ड्यूल कैरेज वे चाहिए पानी वहाँ पहुँचाना है रेवेन्यू के इशूज थे एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है तो ये समर साहब से पूछें कि क्या ये गवर्नमेंट ये चीज़ काम कर भी रही है नहीं कर रही है समर साहब आपको शिकायत क्या थी कि अब इन्होंने जब जब आपका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो फिर आपको फंडिंग नहीं की गई ये शिकायत है आपको कि मैं किसी से शिकायत नहीं करता मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बिजली बनवानी है तो हमें पैसे दे दें बस नहीं बनवानी तो ना बना पैसे दे मेरा को है, वो इंटरेस्ट नहीं है उसमें कोई भी ठीक तो है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए मुझे मेरे मैं तो, तो वहाँ से कोई तनख्वाह नहीं देता कोई बनाट नहीं देता मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है तो मुझे कोई शिकायत किसी से नहीं है जब गवर्नमेंट चाहेगी हम बना देंगे बिजली नहीं चाहिए तो कितनी बिजली बन सकती है इस प्रोजेक्ट से ये बता सकते हैं क्योंकि छह हजार सात हजार में जितने पैसे देंगे उतनी बिजली बन सकती है इसमें तो कोई नहीं वहाँ तो कोयला इतना देता कोयला है थर में जो माइनिंग करके बिजली बना सकते हैं वो बना ले जो गैस बना सकते हैं वो बना ले बहुत बड़ा दुनिया के तीसरे दर्जे का बड़ा तो एनर्जी अच्छा। तो का वो तो एक्सप्रेड करना तो अब हुत का काम है प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने ले रखे छह सात ब्लॉक किसी में वहां पर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा कीमतों में भी वाजे कमी हो सकेगी बिजली के नूनिट वी हो सकेगी बिजली के नर्ख में अब हमारा जो प्रोसेस है उसमें माइनिंग क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है इसलिए वो जरा प्रोसेस है। हम चार यूनिट बिजली बना सकते हैं लेकिन ये बहुत शुक्रिया आपके सामने है बहरहाल हम कह ही सकते हैं आप लोगों के ज्यादा प्रैक्टिकलिटीज में आप लोग पढ़ते हैं आप लोग देखते हैं मुल्क को सामना है बिजली के इस्तेमाल के हवाले से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसके बाद मैं सी पंजाब की गुफ्तु से भी को भी आप तक पहुंचाऊंगी उनके अपनी जो तहफ़ मुझे रिप्लाई करने समर साहब का अच्छा आप ठीक है आप पहले रिप्लाई कर दें हाँ जी प्लीज़ थैंक यू देखिए समर साहब ने जो यह बात की कि हमने कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो ये ब्लॉक दिए हैं वो अभी काम शुरू नहीं कर सकते उनकी बात कतन ये बात सही है मैं मानता हूँ उसकी वजह ये है कि नादिया साहबा के जब तक उनको हम वहाँ पे जो रोड और पानी नहीं पहुँचाएँगे वो लोग काम शुरू नहीं कर सकते दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वहां पे पानी चाहिए नहरी पानी और वहां पे रोड जो है ड्यूल वे हो बड़ा रोड हो जिसमें हम लोग अपनी हैवी मशीनरी ला सकें तो यह बिल्कुल जायज बात है उसके लिए मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने दो साल पहले से ही काम शुरू कर दिया और रोड जो है वो रैपिडली बन रहा है थोड़ा सा करूं थोड़ा सा समप करूं तो अब जो आपने बजट रखा है जो है कि आप कितना 25 अरब का बजट कह रहे हैं जी तो वो हम एनर्जी के लिए तो वो हम उम्मीद करेंगे हाँ, करें, हाँ। करें exactly, अगर गवर्नमेंट सीरियस ना होती सुने दादिया सुने अगर सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ये सीरियस ना होती तो ये जो समर मुबारक साहब आज तो नहीं आए पाकिस्तान में ना ये तो पाकिस्तान में जब से बना है तब से पाकिस्तान में बैठे हुए तो वही तो हमारा शिकवा ये है कि इससे पहले गवर्नमेंट ने इनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया ठीक है हमारे ऊपर बात तो आ गई चले ठीक चार साल में क्या क्या नहीं ये तो हम आपके अब आगे बढ़ जाए अब आगे बढ़ जाए ना अब हो गई ना आपकी बात आपको मैंने टाइम दे दिया अब अब आगे बढ़ जाए अब मैं जो बात असल में ये करनी है कि वट्स नेक्स्ट क्योंकि जब हम ये बात करते हैं और एनर्जी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई उस एनर्जी कॉन्फ्रेंसिस का असर क्या हुआ उसमें जो फैसले हुए उसमें जो तदावीज़ हुई उनके साथ क्या हुआ सीएम पंजाब जो आज एक कैंप लगाए बैठे हैं मीनार पाकिस्तान पे वो उस हवाले से क्या तहफात रखते हैं क्या वो कहते हैं एनर्जी कॉन्फ्रेंस का हाल क्या हुआ उस पर अमल दरामद फैसलों पर क्यों नहीं हुआ मैं क्लिप आपको मुख्तर सा दिखाऊँगी उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे आ, आ, निशाना बनाया है इस वक्त कि हमें क्यों नहीं वो पाँच दिन चलाते हमें क्यों क्यों नहीं छः दिन चलाते और फिर कहते हैं कि ये हमसे कॉपरेट नहीं करते कितने मकामी अफसोस है कि कौम के साथ यूसुफा गिलानी साहब ने वादा किया नौ अप्रैल दो हज़ार बारह को इस साल कि पूरे पाकिस्तान में मसाफी लोड शेडिंग होगी आज तेरह जून है और दो माह गुजर गए सिर्फ उन्होंने इस वादे की आ, कोई परवाह नहीं की इसकी बदतरीन वादे की वादा की है। आपने जिक्र किया नौ अप्रैल की उस का जो वादे किए गए वो उस वक्त जिन चीज़ों पे आपने हुआ किया उन चीजों फिर आप ही स्टेप बैक हुए कि जी हम दुकानें जल्दी बंद नहीं करेंगे मशरू ये थैंक यू बहुत अच्छा है जब 2011 में और 2010 में इस में इसी तरह का मंजर था इतनी लोड शेडिंग नहीं थी इस तरह कम थी लेकिन था और इस्लामाबाद में पहली एनर्जी कॉन्फ्रेंस मनक़द हुई उसमें मैंने रोल अदा किया मैंने उस वक्त के वज़िर अजम को कहा कि आप एनर्जी कॉन्फ्रेंस करवाएं उसके नतीजे में फिर पंजाब में हमने मीटिंग करवाई मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर यहाँ तशीफ लाए पूरे पंजाब के ताजरों को मैंने बुलवाया और वो देवर अपना वो एहताज कर देखा हमने नौ बजे दुकानें बंद नहीं करनी कोई आठ बजे दुकानें बंद नहीं करनी मैंने उनकी मिन्नत समाज की और उनको समझाया कि देखो ये रूखी सूखी हमने मिल के खानी है ये पाकिस्तान चार सूबे हैं ये पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है ये पाकिस्तान, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान है और अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सबने शेयर करना है उन्होंने कहा कि बाकी भी शेयर करेंगे मन के बिल्कुल करेंगे ये करवाएंगे करवाएँगे हमने एक फैसला किया और उसके उस फैसले के ऊपर हमने मन वन मैंने अमल करवाया आठ आठ बजे दुकान बंद हो जाती गई ने फिर खुद वौ बजे कर दिया किसी और जगह नहीं हुआ यहाँ पर हमने अमल करवाया हफ्ते की दो छुट्टियाँ मैं इसके हक हाँ में नहीं था उस वक्त लेकिन मैंने उसको भी किया चारों न चार अगेंस्ट माई बिल्कुल के अपना गुर्बत जहां हफ्ते में दो छुट्टियां होना शुरू हुई यहां पर उस वक्त थी दो हज़ार ग्यारह की नहीं। मैं बताता हूं मैं हुँ। उसका बैकग्राउंड बता के इस पे आता हूं हफ्ते में दो छुट्टियाँ करवाई और यानी देखें अपना कूमत तो खुश होगी ब्यूरोट्स पॉलिटिशन वजीर को दो छुट्टियाँ होंगी तो वो गरीब मुल्क जहाँ पर गुरबत है जहाँ पर बेरोज़गारी है जहाँ पर नाानसाफ़ी है जहाँ पर सनती तरक्की होनी है जहाँ पर जरियी तरक्की होनी जहाँ पर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ानी है उसको क्या गरज के वो हफ्ते में दो छुट्टियाँ करें लेकिन एक मजबूरी थी कि ताकि बिजली की बचत की जाए मैंने उसको भी एग्री किया मुझे याद अच्छी तरह जुलाई तक जी नाज़ीन आपने ये सुना सीएम पंजाब के ये गिले शिकवे और एक दफ़ा फिर मैं बात करूंगी बल्कि ज़रा एहसान और रशीद साहब से मैं बात कर लूँ क्योंकि कादर बलोच साहब से भी मुझे बात करनी है एहसान साहब आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है क्योंकि ये हम जब भी मैं बात करती हूँ ना इनफैक्ट जब मैं कल लाहौर के ताजरों के फैसलाबाद के ताजरों के रिप्रजेंटेटिव से एक्सपोर्ट की जो उनकी एसोसिएशन है उनके एग्जीकटिव से और उनके एसोसिएशन के प्रेजिडेंट से बात करी थी जो आप लोग सियासत चमका रहे हैं ना वो कहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कहा न्यून लीग भी उन्होंने कहा पीटीआई भी भी ये इस इशू पे सियासत कर रहे हैं ये एक अवमी इशू है जिस एनर्जी कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ उस, उस एनर्जी कॉन्फ्रेंस का पंजाब में उसको इम्प्लीमेंट उसका नहीं किया गया फिर किस तरह से बिजली सेव करेंगे और आप लोग भी सिवाय पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने के मजीद आगे बढ़ते नहीं है देखिये नादिया देखिए हम आवाम की जो मुश्किल है अगर उनको उजागर नहीं करेंगे तो और सियासत क्या होती है आवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है ये दोनों हकूमतें ब्लेम गेम में पड़ी हुई हैं अगर डॉक्टर सु, समर साहब का इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो क्यों नहीं पैसे दे देखिए ये नाहली हुकूमत की करप्शन है जो असली मसला उस तरफ आई है आपके छः आई पी पी के प्लांट बंद पड़े हुए हैं देने के पैसे नहीं है सर्कुलर डेट आपका चार सौ बिलियन का हो गया वो हकूमत के पास पैसे नहीं है और पैसे इसलिए नहीं क्या हुकूमतें दोनों करप्ट हैं आपका खर्चा जो है वो साढ़े तीन ट्रिलियन है आप 2.2 ट्रिलियन इकट्ठा कर रहे हैं 1.3 1.4 ट्रिलियन का आपका खसारा है नोट छाप के आप हुकूमत चला रहे हैं ऐसे हुकूमतें नहीं चलती जब तक आपका टैक्स टू जीडीपी डी रेशो बहुत कम है आठ मतलब है। नहीं है, जब... है ये सारी सूरत बिल्कुल आपका आपके रेंटल पावर में आप सुप्रीम कोर्ट पैसे आपको वापस दिलवा रहे पांच सौ मिलियन डॉलर आपने वहां पे जाये करा दी है राजा साहब ने अब वो कहते हैं जी वो अब मैं बिजली का मसला हल कर लूंगा अब तो छह के, के, क्या हल करेंगे साढ़े चार साल बहुत थी, होते हैं जवाब देना लेकिन जरा का मुझे आप ये बता दीजिएगा की ये जो सीएम पंजाब इस वक्त बात कर रहे हैं तो अब अठारहवीं तर्वी तर्वी तरबीम के बाद यह बात भी की गई कि जो बिजली पैदा जो है वो सुबह खुद भी कर सकते हैं उस पर आप लोगों ने कोई इनिशियटिव नहीं लिया आज इस किस्म की सियासत और फिर एनर्जी कॉन्फ्रेंस की जो बात हुई उस पर अमल दरामद पंजाब ने खुद नहीं किया इसकी जिम्मेदारी लेंगे आप लोग बीबी मेरे समझ नहीं आती है कि जिम्मेदारी कितना सीएम पंजाब रिकॉर्ड पे थे उन्होंने आपके सामने बात की ये जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस था उसमें मैं ख़ुद मौजूद था सुबह से शाम तक मैं वहाँ पर बैठा रहा उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स हमने देख लिए वहाँ पर एक बात जो तय पाई थी वो ये थी कि लोड शेडिंग पूरे मुल्क में बराबर की जाएगी कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं किया जाएगा आपका फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन पंजाब में रहता है और पंजाब में वहाँ पर जिस किस्म की लोड शेडिंग हो रही है उसका अशर अशीर जो है ना कराची में नहीं है या बाकी सूबों में वो बलोचतान में तो एक और मसला है वो दूसरी बात है लेकिन बाकी सूबों में इतना नहीं है तो बुनियादी तौर पर बिजली को रेगुलेट करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है लेकिन दूसरी पंजा... बात हर एक प्राइवेट अदारा कोई नहीं है अभी भी आप इसको छोड़ दीजिए कहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है

एक जवान मुझे मुझे आदमी है, है। जो, जो, कंफ्यूजन आप दूर न कर दीजिए जो जब मेरा व्यू पॉइंट पहले सुने फिर बाद में उनका पॉइंट सुन लें बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं चला जाऊंगा कोई ऐसी बात नहीं है कहा यह जा रहा है इस वक्त ये कहा जा रहा है कि साढ़े मेगावाट वापड़ा के सिस्टम से के एस जा रही है अभी पंजाब को साढ़े सात सौ मेगावाट दिया जाना था या सात सौ मेगावाट दिया जाना था हमारा था। ये मुताबा नहीं है कि के सी से लेके अभी दिया जाए सिस्टम के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही थी उससे एडिशनल सात सौ मेगावाट बिजली पंजाब को, को दिया तो जाना तो तो था मुझे ये ये भी तो भी कि एनर्जी कॉन्फ्रेंस में किया जा रहा है एक मिनट वो जो जी दूसरी पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं ये बार बार ये इल्जाम पंजाब हुकूमत के ऊपर लगाया जाता है कि वो अपना बिजली नहीं बना रहे हैं, हैं, हैं बिजली का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से और फ्रूटेशन तक पहुंचाने के लिए कम से कम दो साल का अरसा चाहिए होता है एट्टी अमेंडमेंट को अब तक दो साल नहीं हुए पहली बात दूसरी बात यह है कि वहाँ पर चीचू मलिया और नंदीपुर में जो प्रोजेक्ट्स पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पर लाए जो सबसे बिजली अब तक इस्तेमाल हो रही है वो सिक्स फीसद पंजाब इस्तेमाल करता है सिंध के हिस्से में जो आती है वो ट्वेंटी परसेंट है उसका कुल बिजली का ट्वेंटी परसेंट सिंध इस्तेमाल करता है और जो खैबर पख्तुनख्वा है उसमें ग्यारह फ़ीसद बिजली खर्च होती है जबकि सबसे कम बिजली बलूचिस्तान में साढ़े पाँच फ़ीसद इस्तेमाल होती है अभी भी सिक्सटी टू परसेंट सबसे ज़्यादा पंजाब इस्तेमाल करता है जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ जिसमें जो चीदा चीदा नुकात थे वो भी मैं को एक रिव्यू में आपके सामने रख दूँ कि अट्ठारहवीं तरवी के बाद सुबह बिजली खुद पैदा करेंगे उसके लिए दो साल का अरसे की बात की गई वो अभी तक नहीं है पंजाब को सात सौ मेगावाट इजाफी मिलेंगे बाज़ार मार्केट्स आठ बजे बंद कर दिए जाएंगे हफ्ते में दो छुट्टियां की जाएंगी पंजाब इस पर अमल दरामद नहीं कर सका लेकिन पंजाब अब ये ज़रूर चाह रहा है और जिस तरह से अब ये बात की जा रही है शर्जी नीला मेमन साहब के पास बढ़ जाऊंगी क्योंकि वक्त की बस कमी है बेहतर है कि वो जवाब दें कि जब एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ये वादा कर लिया था तो फिर उसको पूरा क्यों नहीं किया और अगर पूरा करने का सोचा भी था अगर नियत में कोई खराबी नहीं थी तो कहां से लेके किसको देनी थी

परमिशन थी कि 50 मेगावाट के आप भले 50 प्रोजेक्ट्स लगाओ लेकिन 50 मेगावाट से ऊपर आप नहीं लगा सकते थे तो इससे पहले भी उन्होंने नहीं पता की कि दूसरी बात मैं आपको बताऊं आपने एक बात मेरी क्लियर कर दी कि 62 परसेंट नहीं 65 परसेंट जो है वो इस वक्त पंजाब को बिजली मिल रही है पूरे पाकिस्तान के हिस्से की तीसरी बात जो कि एनर्जी कॉन्फ्रेंस में तय तय ते, की गई थी कि आठ बजे दुकानें बंद होंगी और सैटरडे जो है वो भी छुट्टी की जाएगी ना ही आठ बजे पंजाब में दुकानें बंद हुई वो तो नहीं मैं तो संथ नहीं संथ नहीं मैं तो नहीं नहीं हुआ। कह कह मैं की छुट्टी प्लीज ये बताएं जो वादा किया था वो क्यों नहीं मैं आ रहा हूँ मैं आपको मैं आपको खबर दे रहा हूँ सुने जहाँ तक ये बात है कि सैटरडे की छुट्टी सैटरडे की छुट्टी पंजाब ने नहीं की सिंध आज भी कर रहा है सिंध में आज भी सैटरडे छुट्टी होती है दूसरी बात जो सात मेगावाट की बात थी सात मेगावाट सिंध के पुल का बिजली जो है मैं एहतजाजन कह रहा हूँ वो पंजाब को दी जा रही है जिसकी वजह से सिंध की इंडस्ट्रीज़ मुतासर हो रही हैं और मैं आपको ये बासूख तरीके से बिंग इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध आपके चैनल पे ये मैं मान रहा हूँ बात कि सिंध के हिस्से की 700 मेगावाट बिजली जो है वो मज़ीद काट के पंजाब को दी जा रही है पिछले चंद दिनों से और मैं समझता हूं कि ये सिंध के साथ एक है। मतलब आप इस, ये कह रहे हैं कि जो वादा वफ़ा उस वक्त नहीं हुआ था एनर्जी क्राइसिस में कि जी 700 मेगावाट पंजाब को अदा किए जाए वो अब पिछले दो से चार दिन से वो सिंध से बिजली काट के या सिंध की बिजली को कम करके पंजाब को देना शुरू कर दिया गया है सात मेगावाट मैं दो चार दिन की बात नहीं कर रहा हूँ पिछले समझे कोई आठ दस दिन से सिंध के सात मेगावाट जो है वो काट के पंजाब को दिया जा रहा है और बिंग इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर में इस चीज पे ऐतजाज भी करता हूँ कि सिंध के हिस्से की जो बिजली है वो भी अगर पंजाब को दी जाएगी तो यहाँ सिंध में जो है इंडस्ट्रीज की हालत जो है और मजदूर खराब होगी दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो इंटीरियर है सिंध का उसमें बारह घंटे तक बिजली जाती है वहां पर भी कराची में भी डेली जो है लेकिन आप किससे कर रहे हैं एहतजा किससे कर रहे हैं वफाक से मैं, मैं वफाक से एहतियात कर रहा हूँ जी कि सिंध के हिस्से की सात सौ मेगावाट बिजली जो है वो काट की खबर भले वफाक में मेरी गवर्नमेंट है लेकिन ले, ले, लेकिन ये एक डेमोक्रेसी है।, है ये ये मेरी ये हमारी अपनी गवर्नमेंट लेकिन डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में मैं एहतियात कर सकता हूँ दूसरी बात यह कि जितने वादे वफा नहीं किए गए वो उनकी तरफ से नहीं किए गए क्यों नहीं शहबाज शरीफ ने दो हज़ार दस की तो दो हजार ग्यारह का मिसाल तो दे रहे हैं लेकिन क्यों नहीं उन्होंने हर सैटरडे को वो अपने गवर्नमेंट की छुट्टी करते क्यों नहीं वो, तो वो ये जो है आर्ट में दुकानें बंद करते हैं और 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 साहब बड़े एहतराम के साथ नादिया प्लीज नादिया प्लीज कह रहे थे सुन तो लें नादिया प्लीज नहीं अब सुन तो लें अब कादर बदल साहब ने बात की कि भाई हमने जो बिजली जो है वो 18 अमेंडमेंट के बाद तो खुदा के वास्ते आप 50 मेगावाट का आपके पास परमिशन थी आप 50 मेगावाट के विंड मिल के आप 50 प्रोजेक्ट तो लगा लेते तो आप आज, 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 आज कोई डेफिनेट नहीं होता कादर भाई साहब इससे मैं तो आज बात, देंगे बात, देंगे बात गया ना आज की बात है मुझे सिर्फ ये बताएं कि शाम का मेगावाट इज़ाफी पंजाब को मिलना शुरू हो गए हैं आप इस बात की तस्दीक करेंगे कादर बलूत् साहब मुझे इसके बारे में नादिया ज़्यादा नहीं है अगर ये कहते हैं तो मुमकिन है सही हो क्योंकि बुनियादी तौर पर बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना इनकी जिम्मेदारी है मुमकिन है सही हो नहीं ना? तो, तो मैं फिर अगर इसके अगर बारे सही में फैसला तो नहीं रखता है तो इसलिए मैंने मैंने अर्ज़ किया तो सी सी एम सा मैं अर्ज़ यह कर रहा हूँ कि सी एम साहब ये ये बात नहीं है बात यह है कि बराबरी आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है लोड शेडिंग वो जो बोझ लोगों के ऊपर पड़ रहा है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है बीस घंटे वाली कार्रवाई रिड्यूस हो गया बारह घंटे हुई है कि नहीं हुई है एहताज तो उसके खिलाफ है जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है पंजाब गवर्नमेंट तो कोशिश ये कर रही है कि कंट्रोल से एहतजाज बाहर न निकल जाए ठीक है ठीक तो है आप थोड़ा सा लेट हो गए थे शर्जी नामी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और अपना हमारे प्रोग्राम के थ्रू रिकॉर्ड कराने का वफाक और उसी के साथ ऐसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया से दीजिए नादि मिर्जा को इजाजत